हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम साइबर लॉ एंड एथिक्स में यूनिट 5 जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन के बारे में समझेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन साइबर स्पेस, डिस्प्यूट मींस झगड़ा, रिजोल्यूशन मींस उसे सॉल्व करना, सुलझाना इन साइबर स्पेस। मींस यहां हम डिस्प्यूट को सुलझाना चाहते हैं साइबर स्पेस में। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि जब ऑलरेडी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है, फिर हम किसी झगड़े को साइबर स्पेस में क्यों सुलझाना चाहते हैं? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट ट्रेडिशनल मेथड्स टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट? तो इसका आंसर है कि इंटरनेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से एजेंसीज और लिटिगेशन के थ्रू, लिटिगेशन कहते हैं मुकदमेबाजी को, जब हम कोई मैटर कोर्ट में ले जाते हैं इसे लिटिगेशन कहा जाता है। तो इंटरनेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से लिटिगेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के थ्रू झगड़े को सॉल्व करना अनसेटिस्फैक्टरी होता है। तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनेट की? द फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल ओपननेस ऑफ ई कॉमर्स मेक्स स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर ट्रांजेक्शन। जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ज्योग्राफिकल ओपननेस होने की वजह से हम जनरली स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के बाद आपको जो पेमेंट है आपने किस इंडिविजुअल को किया है, आप पर्सनली या फेस टू फेस उसे नहीं जानते। तो डेली लाइफ में ये होता है कि अगर हम कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं किसी शॉपकीपर के पास, एंड इन केस अगर उस सामान में कोई खराबी है, देन एटलीस्ट फेस टू फेस हम वापस उसके पास जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। बट इंटरनेट पर एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कुछ सोर्स ऐसा होना चाहिए कि इफ डील्स गोज रॉन्ग तो हम इसको रिजॉल्व कर पाए। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मशीनरी डिपेंड्स अपॉन लोकलाइजेशन। जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जो एजेंसीज हैं वो लोकलाइजेशन पर डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि डिस्प्यूट किस लोकेलिटी में हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जाता है। जबकि इंटरनेट में जहाँ पर कि हम किसी वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ ये चांसेस होते हैं कि वेबसाइट जिस पर ये सामान खरीदा और बेचा जा रहा है उसका सर्वर किसी और कंट्री में हो। मींस जरूरी नहीं है कि यहाँ जो डिस्प्यूट हुआ है उन दोनों का लोकलाइजेशन सेम हो। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर स्पेस। थर्ड इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन साइबर स्पेस इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ टाइम। साइबर स्पेस में डिस्प्यूट रिजॉल्व करना कॉस्ट वाइज और टाइम वाइज भी चीपर पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जब लिटिगेशन होते हैं, कोई केस जो मुकदमे चलते हैं कोर्ट में, उनमें सालों साल लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 5,000 रुपये के केस के चक्कर में 50,000 रुपये मुकदमेबाजी में चला जाता है, पर यहाँ कंपेरेटिवली कॉस्ट और टाइम कम लगता है। सो ये इंटरनेट की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम एजेंसीज के थ्रू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कराने के बजाय अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को महत्व देते हैं ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंटरनेट। ADR मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मीन्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कोई अल्टरनेट वे। क्या अल्टरनेट तरीके हैं वी विल डिस्कस लेटर। ज्यूरिसडिक्शन इन साइबर स्पेस। तो अगर हम बात करें टर्म ज्यूरिसडिक्शन की, ज्यूरिसडिक्शन मींस पावर और लीगल अथॉरिटी। द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म्स ज्यूरिस जिसका मतलब होता है लॉ, एंड डिक्टो विच मींस टू स्पीक। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ स्पीक बाय लॉ। नाउ ज्यूरिसडिक्शन जनरली डिस्क्राइब्स अथॉरिटी over a certain area or certain persons। किसी निश्चित
क्षेत्र में और निश्चित लोगों के ऊपर जो अथॉरिटी है उसे ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है जनरली। पर जब हम बात करते हैं साइबर स्पेस की, साइबर वर्ल्ड की, देन द इशू इन्वॉल्व इन साइबर वर्ल्ड एंड इन्फोर्समेंट टू एडजुडिकेट सर्टेन लॉ बाय द कोर्ट इन साइबर वर्ल्ड इज नॉन साइबर ज्यूरिसडिक्शन। साइबर वर्ल्ड में जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं उन इश्यूज और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो सर्टेन लॉ हैं उनका एनफोर्समेंट मीन्स उनका पालन, उनको लागू करना, और एडजुडिकेट मीन्स निर्णय लेना, कोई मुकदमा चलता है तो उसको सुनना उन नियमों के आधार पर। मीन्स साइबर वर्ल्ड में जो इश्यूज हैं, मीन्स साइबर वर्ल्ड में जो इश्यूज हैं उन इश्यूज के लिए जो लॉज हमारे कोर्ट ने बनाए हैं उनका एनफोर्समेंट, उन नियमों को लागू करवाना और उन नियमों के अनुसार उस मुकदमे को सुनना, निर्णय करना, डिसीजन लेना एज पर द लॉ साइबर ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। इंटरनेशनल लॉ, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ। तो जनरली तीन टाइप के ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल लॉज में बताए गए। फर्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शन टू प्रिस्क्राइब, नेक्स्ट इज द ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्स, एंड थर्ड वन इज द ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट। प्रिस्क्राइब इसका मतलब होता है निर्धारित करना, नियम बनाना, ऐसा कह सकते हो आप, निर्धारित करना मतलब ज्यूरिसडिक्शन को बनाना, मींस उन नियमों को बनाना, निर्धारित करना कि किस केस में डिस्प्यूट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आएगा, उसकी क्या सजा होगी, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा एक्सेट्रा। एनफोर्स मींस लागू करना, अब जो नियम बना दिए गए हैं उनको लागू कैसे किया जाएगा, किस क्षेत्र में नियम लागू होंगे, किसके द्वारा इनका पालन कराया जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्स में। एंड ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट बताता है कि अगर नियमों को लागू करने के बाद में कोई डिस्प्यूट होता है तो निर्णय कैसे किया जाएगा। एडजुडिकेट मीन्स निर्णय करना, तो ये तीन चीजें आप याद रखें, ज्यूरिसडिक्शन टू प्रिस्क्राइब, ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्स एंड द ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट। अंडर इंटरनेशनल लॉ देयर आर सिक्स जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन टू प्रिस्क्राइब अ रूल। अब रूल को प्रिस्क्राइब करने के लिए ये छह बेसिस बताए गए हैं जिन्हें कि यहाँ उनके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर रखा गया है। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी। सब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी मीन्स कि अगर कोई एक्टिविटी किसी टेरिटरी के अंदर होती है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर होती है, तो उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी। इसमें नियम बनाए जाते हैं उन चीजों के बारे में कि अगर किसी क्षेत्र अधिकार में, किसी क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा एक्ट या ऑफेंस होता है तो उसके लिए क्या सजा, क्या प्रावधान और कैसे हम उसकी रोकथाम करेंगे, कैसे निर्णय करेंगे, कौन उन नियमों का पालन कराएगा, कौन ध्यान रखेगा, क्या, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी। ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी में ऐसे एक्शंस के बारे में बात होती है जो कि आउटसाइड टेरिटरी हो रहे हैं लेकिन उनका जो प्राइमरी इफेक्ट है वो इनसाइड टेरिटरी हो रहा है। मीन्स ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी में इफेक्ट मैटर करता है, क्राइम कहां से हुआ है डजंट मैटर, बट उसका इफेक्ट कहां हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी में उन नियमों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो नियम बनाए जाते हैं जो कहीं और से बैठकर हमें इफेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई ऐसी वेबसाइट जिसका सर्वर कहीं विदेश में है, कहीं बाहर है, बट उसका इफेक्ट हमारी टेरिटरी में पड़ रहा है, तो उस केस में क्या नियम होने चाहिए, कैसे सुना जाएगा,
अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसे किस आधार पर हम सजा पेनल्टीज को डिफाइन करेंगे, उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑब्जेक्टिव टेरिटरी में। नेशनलिटी, जब नेशनलिटी को बेस बनाकर हम नियम बनाते हैं, मीन्स द बेसिस जब नेशनलिटी होती है, नेशनलिटी के आधार पर ज्यूरिसडिक्शन के जो नियम बनाने होते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई पर्सन फ्रॉम नीदरलैंड जिसकी नेशनलिटी डच है, वो डच पर्सन अगर इंडिया में आकर किसी का मर्डर कर देता है तो उसकी नेशनलिटी अब किसी दूसरी कंट्री के लिए है, तो उस केस में उसे सजा कौन देगा? उसे नीदरलैंड में सजा मिलेगी या उसे इंडिया में सजा मिलेगी? तो इन नियमों का निर्धारण इस कैटेगरी में किया जाता है। पैसिव नेशनलिटी, तो देखिए नेशनलिटी में जो एक्ट करने वाला पर्सन है, जो एक्टर है, उसकी नेशनलिटी को लेके बात होती है, जबकि पैसिव नेशनलिटी में जो विक्टिम है उसकी नेशनलिटी को लेकर नियम बनाए जाते हैं। मतलब जब उस डच पर्सन ने इंडिया में आकर कोई क्राइम किया तो यहाँ एक्टर है वो डच पर्सन, पर क्राइम किस पर हुआ? इंडियन के ऊपर। तो जो विक्टिम है उसकी नेशनलिटी की बात होती है पैसिव नेशनलिटी में, तो विक्टिम की नेशनलिटी को ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो पैसिव नेशनलिटी में आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल अन्य स्थानों पर किए गए कार्यों को दंडित करने के लिए एक संप्रभु की इच्छा व्यक्त करता है, मीन्स उसमें सम्राट की या गवर्नमेंट उनकी इच्छा से दंडित किया जाएगा उन कार्यों के लिए जो आपने कहीं और किए हैं लेकिन उन कार्यों की वजह से खतरा यहाँ महसूस किया जा रहा हो। तो दिस इज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें कि एक सम्राट या फिर गवर्नमेंट की अनुमति से ज्यूरिसडिक्शन किया जा सके। यूनिवर्सलिटी, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ऑफेंसेस के लिए नियम बनाना जो कि सभी देशों में सभी जगह पर ऑफेंस समझे जाते हों। फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी, तो पोर्नोग्राफी को लेकर यूनिवर्सल लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे नियम किसी यूनिवर्सल ऑफेंस को डिस्क्राइब करता हो, उनके ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। चलिए बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन रूल ऑफ यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले साइबर स्पेस में ज्यूरिसडिक्शन के लिए नियम बनाए। इसने नियमों को दो कैटेगरी में रखा, फर्स्ट इज जनरल एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक। जनरल कैटेगरी के नियम लगते थे क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए, तो जनरल रूल वो है जिन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट को बेस बनाकर बनाया गया था। क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स रेजिडेंशियल, डोमेसाइल या फिजिकल प्रेजेंस। इस बेसिस पर जो नियम बनाए गए वो थे जनरल कैटेगरी में। इससे क्या होता था, कोर्ट को हेल्प मिलती थी ये आइडेंटिफाई करने में कि कल्प्रिट फिजिकल फॉर्म में। इट हेल्प्स कोर्ट टू आइडेंटिफाई कल्प्रिट इन फिजिकल फॉर्म, जैसे कि साइबर क्राइम। अगर किसी ने साइबर क्राइम किया है तो क्या डोमेसाइल है उसका, उसकी फिजिकल प्रेजेंस क्या है, कहाँ रेजिडेंस है, तो इस बेसिस पर बनाना। स्पेसिफिक रूल्स हैं जब डिफेंडेंट हैविंग सर्टेन मिनिमम कॉन्टैक्ट, मिनिमम कॉन्टैक्ट यहाँ रिक्वायर्ड है, मिनिमम कॉन्टैक्ट है अगर उसका। अब मिनिमम से क्या मतलब है यहाँ, मिनिमम कॉन्टैक्ट का मतलब है कि हो सकता है वो वहाँ के रेजिडेंशियल नहीं है, उसका डोमिसाइल नहीं है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उसको प्रिविलेज मिले हुए हैं कि वो वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, सिर्फ बिजनेस करने के पर्पज से वो वहाँ है, पर वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, निवासी नहीं है, बट उसके जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अफेक्ट कर रहा है उस स्टेट को। तो इस केस में उस पर स्पेसिफिक रूल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चले हीरो होंडा जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, अब हीरो होंडा इंडिया में बिजनेस कर रही है और उससे कुछ अफेक्ट यहाँ पड़ता है, तो वहाँ स्पेसिफिक रूल्स आते हैं। याद रखें हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शनल रूल ऑफ यूएसए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंडिया का, राइट, बट ये हम बात कर रहे हैं यूएसए के रूल्स की। बट ये जो दोनों ही रूल्स, ये दोनों ही बेसिस पूरी तरह से फेल हुए, उसका रीजन क्या था? बिकॉज बोथ वर फेल एज फिजिकल प्रेजेंस
मे बी नॉट नेसेसरी, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी नहीं थी। तो दो केसेस जिन्होंने ज्यूरिसडिक्शन को बहुत अच्छी शेप दी, जिससे क्लियर कट पता चला कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो पहला केस है जिप्पो मैन्युफैक्चरर वर्सेस जिप्पो.com, इसे ही स्लाइडिंग स्केल टेस्ट भी कहा जाता है, स्लाइडिंग स्केल टेस्ट। तो क्या था इस केस में, एक्चुअली स्लाइडिंग स्केल टेस्ट में वेबसाइट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो पहली कैटेगरी है उसमें रखा जाता है पैसिव वेबसाइट को। पैसिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं, जिन पर आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंटल वेबसाइट्स, राइट। सेकंड इज इंटरेक्टिव वेबसाइट। इंटरेक्टिव वेबसाइट में आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और टिंडर। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रल। इंटीग्रल आप समझ सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इंटीग्रल वेबसाइट। तो इस केस से क्या कंक्लूजन निकला कि वेबसाइट है, अगर ये किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इंटरेक्टिव वेबसाइट के केस में होगा। इट क्लासिफाइज ज्यूरिसडिक्शन विल काउंट इन द केस ऑफ इंटरेक्टिव वेबसाइट ओनली, पैसिव वेबसाइट के केस में और इंटीग्रल वेबसाइट के केसेस में नहीं। एक्चुअली इंटीग्रल वेबसाइट के केसेस में ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसा मैंने कहा कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इंटीग्रल वेबसाइट को पैसिव वेबसाइट माना जाए या इंटरेक्टिव वेबसाइट माना जाए, तो ये इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है कि हम इसको इंटरेक्टिव वेबसाइट ट्रीट नहीं कर रहा। इंटरेक्टिव वेबसाइट की तरह ट्रीट नहीं करना मीन्स ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा, सो इट इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। तो स्लाइडिंग स्केल टेस्ट बात करता है वेबसाइट्स की कैटेगरी के बारे में। केटलर वर्सेस जोन्स बात करता है कि वेयर द ऑपरेशन बीइंग ऑपरेटेड एंड वेयर द इफेक्ट हैव बीन टुक प्लेस व्हिच सिग्निफाइज द ज्यूरिसडिक्शन ओवर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ये बताता है कि किसी प्लेस में मान के चलिए कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई एक्ट होता है और उसका इफेक्ट वो किसी दूसरी प्लेस पर है, तब ज्यूरिसडिक्शन के अंडर इसे लाने के लिए वो कौन कौन सी बातें होंगी, तब ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा तो फिर कौन कौन से फिगर्स और फैक्ट ज्यूरिसडिक्शन में कंसीडर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।